नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल, चिंतक और विचारक अशोक त्रिपाठी ने कहा है कि प्रकृति संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए जल, जमीन, जंगल को बचाना जरूरी है। मौजूदा भौतिकवादी दौर में अनियोजित विकास बड़ा मुद्दा बन गया है। प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित दोहन किया जा रहा है। पेड़ काटे जा रहे हैं, नदियों का अविरल प्रभाव बाधित किया जा रहा है, यह महाविनाशक के संकेत है। 2003 में मध्य प्रदेश की सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने पंजच अभियान शुरू किया था, जिसमें जल, जमीन, जंगल संरक्षण प्रमुखता के साथ शामिल था। वर्तमान सरकार भी जल, जमीन, जंगल बचाने के काफी प्रयास कर रही है। इन प्रयासों का परिणाम धरातल पर नजर आना चाहिए। खबर समय जगत में आपका स्वागत है। और आज जो हम देख रहे हैं, एक भागदौड़ भरी जिंदगी में विकास के लिए, विकासवादी इस जिंदगी में जल, जमीन और जंगल की जिस तरह से दुर्गति हो रही है, उस विषय पर लोक भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक त्रिपाठी जी के हम विचार जानेंगे। सर, आज जो विकास के लिए जिस तरह से देखा जाता है, कई जगह पेड़ काट दिए जाते हैं, नहरों को बंद कर दिया जाता है, तालाब पूर दिए जाते हैं, इसके लिए सर मैं आपके विचार जानना चाहूँगा, जिस तरह से हमारी प्रकृति और संस्कृति का नाश हो रहा है। देखिए, ये भारतीय संस्कृति है जी, जिसमें पानी, पेड़, पहाड़, पत्थर, पुराण पुरुष सभी को पूजा जाता है जी। जन, जल, जंगल, जमीन, जानवर के नाम से एक पंचज अभियान की शुरुआत भी आज से 17 वर्ष भाजपा की सरकार ने मध्य प्रदेश में करने की कोशिश की थी जी। क्यों पहल आगे नहीं बढ़ी, हम नहीं जानते जी। गौर साहब ने गोकुल ग्राम, शिवराज जी ने नर्मदा सेवा यात्रा, अब ये दर्शन है, प्रदर्शन है, ये बहस का विषय है। लेकिन आप ये मानिए कि हमारी संस्कृति में हम वृक्ष को पूजते हैं, ये पूजने की परंपरा क्यों हुई? जल को हम गंगा मैया का स्वरूप मानते हैं, जमीन धरती माता है हमारे लिए, गाय गौ माता है हमारे लिए, और ये कब सब बचेंगे? जंगल बचेगा तो जल बचेगा जी, और जंगल और जल बचेगा तो जमीन बचेगी, और जल, जंगल, जमीन बचेगी तो जानवर बचेगा और जन बचेगा। पता नहीं हम इस संतुलन को क्यों भूल गए। विकास के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जी, सुपर हाईवे जी, मल्टी बुलेट ट्रेन बिल्डिंग्स, सुपर कॉरिडोर, मॉल्स, इनके यूजर्स 1% से ज्यादा नहीं है देश में। बिल्कुल, 1% के लिए हम इस विकास के नाम पे विनाश क्यों कर रहे हैं, ये सोचने का विषय है। विकास हो, प्रकृति सम्मत विकास हो, प्रकृति आधारित विकास हो। और जब प्रकृति बचेगी, प्रकृति कब बचेगी? जब संस्कृति बचेगी, क्योंकि संस्कृति निष्ठ होंगे तब हमें जन, जंगल, जमीन के प्रति और आस्था श्रद्धा होगी, गौ माता के प्रति श्रद्धा होगी। और जब ये सब कुछ होगा तो हमें विषमुक्त खाद्यान्न मिलेगा, शुद्ध दूध मिलेगा। ये सबका एक वो है, इस पे एक व्यापक बहस की आवश्यकता है। चूंकि आपने विषय रखा जी, तो मुझे लगता है कि, और इसी के साथ एक अच्छी पहल है जो देखी सरकार की अभी, कि प्रोफेसर चेतन सौर ऊर्जा पर ब्रांड एम्बेसडर होकर 11 साल तक अंतक यात्रा निकालने वाले हैं, ये एक सुखद पहल है। क्योंकि इन सबको बचाने में बहुत बड़ी भूमिका, हम पूरे संसाधन दीर्घकालिक लक्ष्यों को भूल रहे हैं तात्कालिक लाभ के लिए। जितना कोयला मिले खोद डालो, जितना तेल मिले निकाल डालो, जितना पानी मिले गहरे कूप डाल डालो, ये विकास की ओर बढ़ते कदम है। जल ऊपरी बह रहा है, इसको सहेजो। जंगल लगाने की इतनी परिस्थितियां हैं, वो हाईवे जो बना दिए, जंगल लगाओ, सूखी पड़ती जमीन पर जंगल लगाओ। तो जल, जंगल, जमीन बचाओ, प्रकृति संस्कृति बचाओ। धन्यवाद। भोपाल से समय जगत के लिए संदेश नीमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.